नमस्कार है दोस्तों भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में पूरे विश्व भर से पूरे दुनिया में किसी भी जगह से देख पा रहे और सुन पा रहे सभी भाइयों का और बहनों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी को बता दूं जिन भी लोगों ने ए आर ओ और आर ओ पोस्ट के लिए फॉर्म भरे थे जो कि इंडिया देश के उत्तराखंड स्टेट में तेईस दो तो हज़ार तेईस ईयर वालों में उसके लिए मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों आप सभी लोगों का प्री का रिजल्ट आज आ चुका है आज मतलब ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में उत्तराखंड का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है जो कि आ, किसके ऊपर काम करते हैं पूरे स्टेट में जो पब्लिक को दिए जाने सर्विस है उसके ऊपर एक कमीशन बना दिया गया है उसके अंदर पी द्वारा हर तरह तरह की पोस्टों पर रिक्रूटमेंट होती हैं पूरे साल भर में जिसके अंदर एक पोस्ट आता है आप लोगों का ए और आर मतलब हो जाता है असिट ये आपका ए आर ओ मतलब असिस्टेंट ऑफ रेव्यू ऑफिसर और रेव्यू ऑफिसर मतलब कि समीक्षा अधिकारी और आ, सहायक समीक्षा अधिकारी ये दो तरह के पोस्ट इसके अंदर दोस्तों आप लोगों के आते हैं इसके अंदर टोटल वैकेंसी इस बार की रिक्रूटमेंट में जो 2023 वालों के लिए आई थी उत्तराखंड स्टेट में इंडिया देश के स्टेट उत्तराखंड में वो लगभग थी 137 तो उसको लेकर दोस्तों आप लोगों का प्रीलिम्स प्रिलियम्स रिजल्ट आ चुका है जो लोगों ने प्रिलिम्स एग्ज़ाम दिया था जो लोग दिसंबर मंथ में इसको एग्ज़ाम देने गए थे उनका रिजल्ट आ गया दोस्तों उसकी आपकी कट ऑफ डिस्कस होगी इस वीडियो में कितने लोगों के मार्क्स कितने कितने आए हैं वो डिस्कस होंगे मतलब एक्चुअल में जिन भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है किस किस के कितने मार्क्स आए हैं वो आप लोग देख सकते हो किस कैंडिडेट ने कितने क्वेश्चन के आंसर सही करे कितने गलत करे कितने उसने छोड़ दिए वो भी आप लोगों का आ चुका है इसके अलावा कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या आ गई है वो भी आ गई है इसके अलावा ये भी आ चुका है कि आपका मेन्स का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और मेंस एग्जाम से जुड़ी हुई बातें भी आ चुकी हैं और जो लोग नए हैं और आपको बता दूं इंडिया देश के उत्तराखंड स्टेट में हर साल एक रिक्रूटमेंट होता है एआरओ और आरओ पोस्ट पर यानी असिस्टेंट ऑफिसर और असिस्टेंट रेव्यू ऑफिसर और रेव्यू ऑफिसर एआरओ आरओ पोस्ट पर ये पोस्ट काफी अच्छी बताई जाती है स्टेट गवर्नमेंट में जॉब होती है सरकारी जॉबें होती है ये पोस्ट का काम अच्छा होता है इसमें काफ़ी तरह तरह के इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी होती है इस पोस्ट पर अभी बात करें दोस्तों इस पोस्ट के बारे में तो इस पोस्ट के बारे में नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन पर है ये नोटिफिकेशन सप्टेम्बर मंथ 2023 के समय पे आया था तब ये नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस हुआ था इस बार 2024 वालों का भी इसी समय पे यही जो आप लोगों का अगस्त सितंबर मंथ के करीब इसका नोटिफिकेशन हर साल आ जाता है तो आप उस समय पे रेडी रह सकते हो वैकेंसी काफ़ी कम होती है दोस्तों इसमें दोस्तों का पोस्ट काफ़ी अच्छी खासी है बड़ी पोस्ट मानी जाती है और टोटल इसमें आएगी इस बार जो आपकी पोस्ट आई थी दो वालों के लिए वो टोटल आई थी वन ठीक है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको भी दिखाऊँगा तो अभी लोगों ने प्रीलिम्स पास किया है बहुत लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं दोस्तों प्रीलिम्स के बाद वो लोग मेन्थ्स देते हैं ठीक है प्रीलिम्स दिया मेन्स दिया फिर ठीक है फिर डॉक्यूमेंट वेरीफिक कहीं कहीं इस, कभी अगर जैसे इस पोस्ट पर इंटरव्यू हो रहा है तो वो है अगर नहीं है तो नहीं है तो ये सारी चीज़ें तो आपको क्या है प्रिलिम्स मेन्स इंटरव्यू डी ये तीन से चार स्टेज निकाल के वैकेंसी मिलती है ठीक है ये मिलती है डायरेक्ट इंडिया देश के उत्तराखंड स्टेट में गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड स्टेट की जॉब होती है मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब होती है पोस्ट अच्छी है सैलरी भी अच्छी खासी है बेनिफिट भी होते हैं और पोस्ट पर काम भी अच्छा खासा रहता है ठीक है ऑल इंडिया इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं लोग ऑल इंडिया मतलब कैंडिडेट उत्तराखंड के, के बाहर से भी इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है लेकिन वो इसको जनरल से फॉर्म भरता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट होती है ठीक है तो इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि भाई इसमें प्रीलिम्स रिजल्ट इस बार का कैसा रहा है क्या कुछ कट ऑफ और बाकी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस होंगी सेप्टेम्बर मंथ में फॉर्म भर दिया गया था और अक्टूबर में इसके इस फॉर्म पर करेक्शन चल रहा था नवंबर के बाद दिसंबर में इसको एग्जाम को ले लिया गया आंसर की अभी फेबररी में दी गई थी उसके बाद अब जाके आपका प्रीलिम्स रिजल्ट निकल निकाल दिया गया है और मेन्स एग्जाम कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि मार्च एंड या अप्रैल के करीब हो सकता है इसके अंदर ठीक है हाँ यह जल्दी ही हो जाएगा आपका नोटिफिकेशन अलग से आएगा ठीक है तो ये पूरा नोटिफिकेशन है इसमें आप लोग देखोगे तो इन्होंने क्या बोला है देखिए इस नोटिफिकेशन इस नोटिफिकेशन को आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोगों को कुछ बातें दिखेंगी जो आपके साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी ठीक है जैसे आप देखो ये इन्होंने वैकेंसियाँ हैं रिक्त पदों की संख्या आप रीड करोगे तो टोटल तो मैं आपको दिखा दूँ ये देखिए ये आप लोगों इन्होंने बताया है छः ये हैं दो ये हैं आठ हो गए ठीक है और ये साठ सिक्सटी एट और फिर एट यानी कि सेवनटी सिक्स और फिर एट यानी कि एट्टी फोर और फिर आपके बाद यहाँ पर तीन और आ गए यानी 87 यानी हम इसको अगर 90 माने तो 90 और 50 यानी करीब करीब 140 तो वही वन वन थर्टी सेवन वैकेंसी टोटल इसके अंदर आई थी आप लोगों की इस रिक्रूटमेंट के लिए जिसके ऊपर ये पूरा नोटिफिकेशन में अब हर हर एक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए थी क्या सैलरी मिलेगी क्या काम रहेगा सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है सिलेबस कैसा होता है वो पूरा ये फाइल आपका दिया हुआ है इसको हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे आप देख सकते हो इसके सेंटर देखो अल्मोड़ा चंपावत और इन सारी जगहों पर होते हैं तो उसको आप पूरा डिलीट कर सकते हो हम इधर डिस्कस नहीं करेंगे देखिए सिलेबस सिलेबस है है इसके अंदर ये ये क्वेश्चन पेपर के है, कौन कौन सा ऐसा पेपर होता है जिसको पास करना होता है तो पूरी फाइल है इसको हम हम डिस्कस डिस्कस नहीं करेंगे करेंगे अभी हम वालों का डिस्कस करेंगे, जब आ जाएगा इस फाइल को आप लोग देख लेना जो तेईस वाले कैंडिडेट्स हैं हम डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपको दिखा दूँ ये रिजल्ट का नोटिस है ये आज का नोटिस है इसमें कहा गया है उत्तराखंड का जो पी है वो ये कह रहा है यहाँ पे कि हमारा जो रिक्रूटमेंट हुआ था जिसका हमने फॉर्म सितंबर में दिया था तो उनको बताना चाहते हैं कि सत सत्रह दिसंबर को हमने एग्ज़ाम करा लिया था इसमें और और आज हम इसका रिज़ल्ट दे दे रहे हैं इस रिज़ल्ट के साथ हम लोगों ने एग्ज़ाम में किस कैंडिडेट के कितने मार्क्स आए और एक्चुअल में कट ऑफ क्या गई है और परिणाम रिजल्ट मतलब ये हो जाता है कि कौन लोग सिलेक्ट हुए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कट ऑफ़ और किसके कितने मार्क्स आए थे वो भी इन्होंने दे दिया है भले ही आप पास कर पाए हुए नहीं वो भी इन्होंने यहाँ दे दिया है तीन तरह के नोटिस इन्होंने यहाँ दे दिए हैं अब इन्होंने कहा है कि आपका जो मेन्स एग्ज़ाम है तो मेन्स एग्ज़ाम के लिए कौन लोग पहुँच रहे हैं और मेन्स एग्जाम कब होगा तो मेन्स एग्जाम इन्होंने बताया आपको जल्द ही बताएंगे तो आप मान सकते हो दोस्तों इसमें मेन्स एग्जाम मार्च एंड या अप्रैल के करीब हो जाएगा गिरधारी सिंह रावत सचिव हैं इसके अंदर यू के में उत्तराखंड पी में उनके द्वारा ये पूरा फाइल या पूरा रिजल्ट का जो है डिक्लेरेशन आ चुका है अभी आप लोग कहोगे भाई इसको हमें वेबसाइट पर दिखाओ ठीक है लोग कह सकते हैं कि हमें ये चीज़ वेबसाइट से देखनी है सेम यही चीज तो आप देखोगे मैं यहां पर ले आया हूं, आपको उत्तराखंड की पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे ले आया तो आप लोग वेबसाइट से तो थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट और नोटिफिकेशन थोड़ा नीचे आओगे अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट में आपको ये चीज दिख जाएगी एआरओ एग्जाम और आर एग्जाम दोनों का ही यहां पर इन्होंने कह दिया है कि हमने आपको कट ऑफ मार्क्स फाइनल आंसर की और रिजल्ट आपका दे दिया है ठीक है तो आप इसको टिक करोगे तो आपके सामने अभी देखिए अभी सर्विस अन अवेलेबल ठीक है तो वेबसाइट पे थोड़ा एरर आ रहा है इनके कारण यही है कि लोग एक साथ देख रहे हैं सारी चीज़ें इस वजह से इनको जो है थोड़ा जो है परेशानी का सामना हो रहा है देखिए ए आर ओ आर ओ मैं आ गया बिल्कुल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आपको भी दिखाया था रिजल्ट आपका आज आया है इसके अलावा इन्होंने बोला है कट ऑफ मार्क्स आप मार्क्स देख सकते हैं यहाँ पे अपने कट ऑफ मार्क्स के कितने मार्क्स चाहिए थे मिनिमम फाइनल आंसर की आप लोग आज देख सकते हो वो भी आ गई है उससे अपने आंसर्स मिला सकते हो जो भी आप करके आए हो कितने मार्क्स आपके आए हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हो तो चार पांच नोटिस आए हैं सारे ही आपके साथ डिस्कस होंगे और मैंने सारे आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं तो आप वहाँ से देख लेना ठीक है हम एक ये हम आ गए वापस से वेबसाइट पर आ चुके हैं तो इस तरीके से रहेगा आप देख सकते हो हम डायरेक्ट चलते हैं कि भाई रिजल्ट में क्या आया तो इन्होंने बोला है कि प्रारंभिक परीक्षा परिणाम प्रीलिम्स का रिजल्ट इस तरीके से आया है देखिए अब आप लोग कहोगे इतने सारे लोगों ने पास कर लिया सिर्फ इतनी सी वैकेंसी पे अब बिल्कुल भाई आप देखो टोटल वैकेंसीयों की संख्या है 137 सिर्फ इतने ही लोग इस इसमें रिक्रूट करने थे स्टेट गवर्नमेंट को एआरओ और आरओ पे लेकिन जॉब सबको चाहिए बेरोज़गारी है लोगों के पास जॉब नहीं है और लोगों को ये पोस्ट अच्छी लगती है काम अच्छा है इस पोस्ट पर तो इस वजह से लोगों ने इतने फॉर्म डाले थे जिस तरीके से आप देख सकते हो कि इतने सारे लोगों ने इस एग्ज़ाम को पास कर लिया ये लिस्ट उन लोगों की है जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम को पास किया ये कह रहे हैं कि आप लोगों का रिजल्ट हम दे रहे हैं परिणाम निम्न निम्नवत मतलब कि जो लिस्ट है इसके हिसाब से आप देख सकते हो इन्होंने ये भी कहा है एआरओ और आरओ जो पोस्ट पर रिक्रूटमेंट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस एग्जाम का उसके अंदर मैं आपको बता दूँ प्रीलिम्स रिजल्ट आपका ये आ चुका है ठीक है ये रिजल्ट का जो पूरा ये सीरियल इन्होंने दिया ये ऐसे ही रैंडम डाल दिया आप देख सकते हो ये सीरियल नंबर है इन्होंने रोल नंबर वाइज दिया ये देखिए ये पहला रोल नंबर आता है फिर ये आ रहा है फिर ये और इस तरीके से आप देखोगे तो ये रोल नंबर वाइज इन्होंने रोल नंबर जिस तरीके से जिसका पहले रोल नंबर आ रहा है और अगर उसने पास कर लिया है कट ऑफ को तो उस कैंडिडेट का नाम पहले इधर लिस्ट में दिख रहा है तो ये सारे वो लोग हैं जो लोग मेंस एग्जाम में बैठेंगे आप लोगों को इसमें अपना नाम अपना रोल नंबर डालना होगा रोल नंबर से आपको पता लग जाएगा कि आप लोग प्रीलिम्स पास कर पाए या नहीं कर पाए तो ये पूरा लिस्ट है दोस्तों मैं थोड़ा सा नीचे चलूंगा इसी के अंदर आपको एक चीज़ और बता दूँ इन्होंने ये भी कहा है कि हमने आपको जो है यहाँ पर कट ऑफ और बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी हैं इन्होंने एक चीज़ और ये भी कही है प्रश्नगत परीक्षा परिणाम और जो है उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल जो है में योनिट योजित योजित रीट याचिका यहाँ पर राजेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में पारित होने के वाले अंतिम निर्णय के अधीन है मतलब यहाँ पर एक कैंडिडेट का रिजल्ट है मतलब कुछ बातें हैं जिसके चलते है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक कैंडिडेट की बात चल रही है उसका जो है यहाँ पर रिजल्ट से जुड़ा हुआ इशू चल रहा है तो उसका रिजल्ट नहीं आया ठीक है उन्होंने उसके बारे में बताया तो ये अभी इसके लिए तो भाई कोर्ट फैसला ले लेगा ले लेगा ले 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 इस रिजल्ट के लिए तो इस रिजल्ट बाकी सबका रिजल्ट आ गया बेसिकली आप देख सकते हो टोटल दो हज़ार दो सौ पिचासी लोग टू हंड्रेड 200, uh, 2000, 285 ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इस एग्जाम को पास कर लिया मतलब ये सारे लोग वो हैं जो मेन्स में बैठेंगे अभी देखिए कंपटीशन कितना है वैकेंसी टोटल सिर्फ 137 ही है लेकिन 137 वैकेंसी वैकेंसियों को लेने के लिए इतने लोगों ने प्रीलिम्स निकाल लिया है कट ऑफ के भी पे ठीक है मिलेगी तो इतने लोगों को वैकेंसी सिर्फ अब बात आ जाती है दोस्तों इस रिजल्ट के हिसाब से ये वो लोग हैं सारे लोग जो को, जो कि मेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे अब ये लोग मेंस का फॉर्म भर सकते हैं अब कई बात ये है कि मेंस का एग्जाम का फॉर्म कब आएगा तो मुख्य परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थी के दावों का मतलब जिस जो भी उसने फॉर्म भरते समय अपना क्वालिफिकेशन बताया है उसके उसको डॉक्यूमेंट प्रूफ देने होंगे जो कि वो मेन्स एग्ज़ाम पास करने के बाद दिखाएगा ठीक है इन्होंने कहा है इसके अलावा आप लोगों को पता ही है इस पोस्ट के लिए आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश का टंकन होता है ठीक है इसके अलावा कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान आपको कंप्यूटर का जो नॉलेज है उसके लिए भी आपका क्षा आयोजित करते हुए अभ्यर्थी से विभागों में हेतु वरीयता प्राप्त की जाएगी कि भाई मतलब इसके मतलब साफ साफ ये कह रहे हैं जो आपकी टाइपिंग जैसी चीजें हैं जो टंकण टंकड़ जो आप लोगों का होता है इस पोस्ट के लिए वो होना है इसके अलावा कंप्यूटर का आपका प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होगा और उसके बाद ही और मेन्स एग्ज़ाम के बाद ही आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगा और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के बाद ही सिलेक्शन मिलेगा जिसके क्रम में मुख्य लिखित परीक्षा जो है आप लोगों की अब होनी है और मुख्य एग्ज़ाम यानी कि मेन्स एग्ज़ाम में जो लोग पास कर जाते हैं वही लोग इसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और कंप्यूटर के लिए आगे बढ़ते हैं तो अब आप कहोगे कि आपका मुख्य एग्ज़ाम कब है तो मुख्य एग्ज़ाम इन्होंने बोला है कि ये लोग आप यहाँ पर कट ऑफ के हिसाब से वो सारे लोग दे तो पूरा नोटिस दे दिया तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं आपका कि मेंस का नोटिफिकेशन कब आ सकता है ठीक है सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे रिजल्ट आपने देख लिया इसमें अपना रोल नंबर डाल के चेक कर लेना थोड़ा आगे बढ़ूंगा दोस्तों सभी का रिजल्ट है आप देखोगे मैं इसमें अगर लास्ट पेज पे तो लास्ट पेज में हमें दिख रहा है कि टोटल लिस्ट में कितने लोग हैं सिक्सटी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी थ्री लोग करीबन लगभग इतने सारे लोग वो हैं जो इस एग्ज़ाम को देने पहुंचे सेंटर पे उत्तराखंड स्टेट में पूरे इंडिया के अलग अलग कोनों से अलग अलग जगहों से गए उत्तराखंड स्टेट में और इतने लोगों ने इस एग्ज़ाम को जाकर दिया दो वाला इतने लोगों ने दिया आप देखिए कॉम्पिटिशन इस एग्ज़ाम में ज़्यादा है क्योंकि पोस्ट काफ़ी अच्छा है तो देखिए कहीं ना कहीं इनका लिस्ट निकाल कर लोगों को साफ दिखाने का ये आईना है ये मिरर है लोगों के लिए कि भाई एक लोगी कितना ज्यादा रखता है 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 ये exam, वो ये एग्जाम वो लिस्ट बता रही साफ़ साफ़ साफ, ठीक तो अब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों अभी और इस एग्जाम को जो देने गए, जो, दे, जो देने गए हैं इस एग्जाम को वो गए 65000 लोगों ने इस एग्जाम को दिया है लेकिन पास सिर्फ इतने लोगों ने ही किया है समझे और अभी इसमें बात कर ले दोस्तों कुछ ऐसे भी रहे होंगे वो लोग जिन्होंने फॉर्म भरा लेकिन एग्जाम देने नहीं गए तो मैं अगर एप्रोक्स आइडिया लगाऊं तो मैं मान सकता हूं कि नब्बे हज़ार लोगों ने इस वैकेंसी पर फॉर्म भरा पूरे, पूरे इंडिया से पूरे इंडिया से नाइन्टी थाउजेंड लोगों ने इस जॉब के लिए फ़ॉर्म भरा नाइन्टी थाउजेंड लोगों में से सिर्फ़ पैंसठ हज़ार लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं उस पैंसठ हज़ार में से भी दो हज़ार दो सौ पचासी यानी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी फाइव लोग ही इस एग्ज़ाम को निकाल पाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कॉम्पटिशन कितना है सिक्सटी फ़ाइव थाउजेंड अगर हम माने ठीक है और हम अगर कहीं ना कहीं दो हजार मान लें तो आपको भी पता है कि अगर मैं 60, इसको मान लेता हूं, तो का हो जाता छः हजार करीब करीब वही हो जाएगा तो छः हजार तो उसका टेन परसेंट ही है और उसका पांच परसेंट हो जाता है तीन हजार 60, 10 हो गया जो है सिक्सटी थाउजेंड का टेन परसेंट हजार हो गया और उसका जो है पाँच परसेंट हो गया पाँच जो है आप लोगों का तीन हज़ार तो यानी कि आप देखिए फाइव परसेंट लोग भी जितने लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इस एग्ज़ाम को पाँच परसेंट लोग भी इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पा रहे यानी करीब करीब आप मान लीजिए जितने लोग एग्ज़ाम देने गए सिर्फ मैं मान सकता हूँ तीन से चार परसेंट लोग ऐसे ही हैं जो इस एग्ज़ाम को देने के बाद भी पास कर पा रहे तो कॉम्पिटिशन कितना है मतलब आप ये समझिए कि अगर इसमें जो प्रीलियम्स एग्ज़ाम है ए आर आर ओ में उत्तराखंड वालों में आप लोग अगर सौ लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो सौ में से सिर्फ चार लोग ही ऐसे हैं जो प्रिलियंस एग्जाम एग्जाम को पास करके मेंस के लिए बैठेंगे अब इन चार में से भी आप देखोगे कि मेंस एग्जाम इतने होंगे जो इसमें से आधे हो जाएंगे मान लो दो लोग ही है ना सिर्फ दो ही लोग दो परसेंट लोग ही मान लो ये सौ लोगों ने मान के चलते हैं हम लोग कि सौ लोगों ने जो है फॉर्म भरा इस, इस वैकेंसी के लिए ठीक है नहीं मतलब सौ लोगों ने एग्ज़ाम दिया फॉर्म भरने का तो संख्या भूल ही जाइए एग्ज़ाम सौ लोगों ने दिया इस वैकेंसी पर प्रीलिम्स का सौ में से सिर्फ चार लोग इस एग्ज़ाम को पास करते हैं प्रीलिम्स को और फिर उन चार में से भी आप देखोगे अब ये चार में से सिर्फ अब इसके भी हम देखेंगे तो सिर्फ इन चार में से भी सिर्फ दो लोग इनके आधे भर भी या इससे भी कम लोग मेन्स को पास कर पाएंगे और जो लोग मेन्स निकाल लेते हैं उसके बाद तो टाइपिंग और ये सब तो निकाल लिए निकाल लेते ही हैं लोग तो कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ साफ क्लियर यही होता है कि कॉम्पिटिशन इस एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा है टोटल नाइन्टी थाउजेंड के करीब लोग फॉर्म डालते हैं सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी फाइव थाउजेंड लोग एग्ज़ाम दे के आते हैं उसमें से दो हज़ार लगभग लोग एग्ज़ाम पास करते हैं उसके बाद मेंस में भी लगभग ऐसे ही कुछ चार सौ पाँच सौ लोग पास कर जाते हैं और उसके बाद टाइपिंग और ये सब करते करते तक वो लोग उन वैकेंसीयों को ले लेते हैं तो समझ रहे हैं तो आप देखिए अब इतनी वैकेंसी के लिए भी इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है ठीक है भाई तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे इस बार जो लोगों का क्वालिफिकेशन हुआ है क्वालीफाई कर पाए हैं वो 2285 लोग उत्तराखंड स्टेट से इस रिक्रूटमेंट को पास कर पाए अब बात आता है दोस्तों रेव्यू ऑफिसर और एआरओ के लिए आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं रोल नंबर वाइज रोल नंबर वाइज यहाँ पर जो पी सीरियल में सबसे पहला रोल नंबर आ रहा है वो आ रहा है शशांक नगर कोटी ये कैंडिडेट का नाम है फादर नेम है दीवान सिंह नगर कोटी और कैंडिडेट का नाइनटीन के जुलाई की सत्रह तेरह तारीख का बर्थ है और कैंडिडेट ने सिक्सटी फोर आंसर सही करे हैं और नाइनटी आंसर को गलत कर दिया है और ब्लैंक और सिक्सटी फाइव ऐसे जो उसने खाली छोड़ दिए ब्लैंक ठीक है और दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डिस्कार्ड जो कि रिक्रूटमेंट बॉडी ने इन दो क्वेश्चनों को पूरे पेपर से हटा लिया है ठीक है अब ये दो क्वेश्चन जो हटाए गए इसके मार्क्स सबको मिल गए होंगे ये इन्होंने कहा कहीं ना कहीं करा होगा या फिर दो क्वेश्चन हटा लिए गए ऐसा कुछ हुआ है आपके इस रिक्रूटमेंट में आपको बता दू दोस्तों ये कैंडिडेट जो मार्क्स लाया है वो लाया है सिक्सटी मार्क्स ठीक है अभी मैं आपको दिखाऊंगा कट ऑफ चलिए हम इसी के हिसाब से पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं ठीक है ये आप लोगों का आ गया कट ऑफ अभी ये कैंडिडेट कहाँ ये इसका वर्ग नहीं लिखाना है यहाँ पे देखिए इस कैंडिडेट की कैटेगरी यहाँ नहीं दी गई है तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी कैटेगरी से अगर मैं इसको जनरल भी मान लूँ देखिए मैं इसको सारी कैटेगरी अभी मैं इसको दिखाता हूँ मतलब आपको दिखाता हूँ जनरल से अगर ये कैंडिडेट होता तो तो ये डेफिनेटली पास आउट नहीं है आप देख सकते हो एक के करीब करीब कट ऑफ गया है इसमें ठीक है हाँ देखिए अनारक्षित और जो आप लोगों के प्रभावित बच्चे जो लोग हैं वो लोगों का कट ऑफ कम गया है और आप लोग अगर देखोगे तो सबसे कम अगर मैं सबसे कम कट ऑफ भी बात कर लूँ ना जो मिनिमम मिनिमम मतलब लास्ट कट ऑफ भी अगर सबसे कम मैं अगर बात करूँ तो वो गई है यहाँ पे वो लोग गई है अनुसूचित जाति यानी एससी जो लोग उत्तराखंड के उत्तराखंड स्टेट के जो लोग अनाथ लोग लो हैं और वो लोग अगर एसटी में एससी में आ रहे हैं मतलब एससी लोग हैं और उत्तराखंड के अनाथ हैं या प्रभावित बच्चों में आ रहे हैं तो उन लोगों को ये देख सकते हो उन लोगों की कट ऑफ इतनी कम गई है अगर ये कैंडिडेट उनमें आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं पास आउट पास है इस एग्जाम में तो बेसिकली यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पर कैटेगरी तो दी नहीं गई कैंडिडेट की तो मैं यहाँ पर एक एक कैंडिडेट का बता तो नहीं सकता कि कौन कैंडिडेट पास कर पाए बेसिकली आप लोगों को चेक कैसे करना होगा वो मैं यहाँ बता सकता हूँ सिंपल सी बात है इस लिस्ट में आपको आना होगा इस लिस्ट में आप लोगों को ये देखना है कि आपका रोल नंबर क्या था मान लेते हैं आपका रोल नंबर था वन, वन ये आपका रोल नंबर है तो पता लग गया अंकित सिंह इसका नाम है कैंडिडेट का गोदान सिंह फादर नेम है डेट ऑफ बर्थ उसको मिल गया कैंडिडेट एट्टी मार्क्स लाया है कैंडिडेट ने अपने मार्क्स देख लिए कैंडिडेट ने ये भी देख लिया वो कितने गलत करके आया और फिर कैंडिडेट ने देख लिया कितने उसने खाली छोड़ दिए क्वेश्चन पेपर में आंसर को खाली छोड़ दिया ठीक है तो इस हिसाब से उसके मार्क्स जो बने वो सेवनटी थ्री बने अगर ये कैंडिडेट अगर ये कैंडिडेट अनु एस कैटेगरी का होता और उत्तराखंड राज्य उत्तराखंड स्टेट का उत्तराखंड राज्य का ये एस कैटेगरी में होता और, और साथ ही ये अनाथ होता अगर तो ये कहीं ना कहीं इस रिक्रूटमेंट को पास कर गया होता अगर इस अगर ये इस उस कैटेगरी में आता बेसिकली यहाँ इसकी कैटेगरी लिखी नहीं है तो मैं नहीं बता सकता कि ये कैंडिडेट पास है या नहीं बेसिकली इसी कैंडिडेट को पता होगा कि इसने कौन से कैटेगरी से फॉर्म भरा था हम मान लेते हैं हम एक बार को मान लेते हैं कि ये कैंडिडेट जो है अंकित सिंह जो है वो जनरल कैटेगरी का है मतलब कि ये कैंडिडेट जो है वो यू आर से है और ये जनरल जो है ये ऑल इंडिया जनरल है उत्तराखंड का जनरल नहीं है तो हम ऐसा मान लेते हैं हम मान लेते हैं ये कैंडिडेट पंजाब से जनरल है ऐसा हम मान लेते हैं ठीक है तो ये कैंडिडेट जनरल है वो भी पंजाब से है अगर उत्तराखंड का भी जनरल होता तब भी सेम कट ऑफ होती इसकी जैसे कि अदर स्टेट वालों की होती तो इसका मतलब ये हो गया है कि ये जो अंकित सिंह है अगर ये जनरल कैटेगरी का है और इसके मार्क्स अगर सेवेंटी थ्री के करीब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से समझ सकते हो कि ये कैंडिडेट सेवन जनरल में तो ये पास नहीं कर पाया क्योंकि इसको चाहिए थे एक सौ सात पॉइंट नौ यानी करीब करीब वन हंड्रेड एट मार्क्स कम से कम इसको लाने थे अगर ये ले आता तो कहीं ना कहीं इस रिक्रूटमेंट में ये पास कर जाता और इसको डेफिनेटली मेंस में बैठने दिया जाएगा लेकिन अभी हमें नहीं पता इस लिस्ट के हिसाब से कि कौन कैंडिडेट किस वर्ग में आता है बेसिकली ये लिस्ट इसके लिए है कि कैंडिडेट अपने नाम को देखे रोल नंबर को देखे और देख ले कि उसके मार्क्स कितने आए हैं कितने वो सही करके आया कितने गलत करके आया उसके टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं ठीक है इस तरीके से अगर मैं इस इस अगर मैं पहले पेज की लिस्ट में ही बात कर लूँ कि ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो जनरल से पास कर गया है तो आप देख सकते हो ये एक मार्क्स के करीब एक कैंडिडेट के आए हैं जो कि है दीपक बिष्ट ये कैंडिडेट का नाम है उसका रोल नंबर यहाँ आ रहा है तो ये कैंडिडेट एक नंबर लाया है इसका मतलब ये है कि ये कैंडिडेट पास कर चुका है इस एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे नंबर से अगर ये जनरल से भी होगा तो भी पास कर चुका है अगर ये एस सी भी है अगर ये मान के मान लो ये कैंडिडेट अगर एस भी है तो भी 102 नंबर ही चाहिए थे इसको और अगर ये कैंडिडेट मान लेते हैं ये एस है तो इसको एक नंबर में ही पास आउट मिल जाता है एक में ही और मान लो ये कैंडिडेट अगर ओबीसी भी होता तो 107.93 से ही ये पास कर जाता समझ रहे तो ये इस तरीके से तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि कैसे है, आप लोग पास हो या नहीं वो चीजें आपके मार्क्स देखने हैं और कट ऑफ देखना है आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी कैटेगरी है उस तरीके से कट ऑफ देखें और पास कर गए हैं तो कमेंट में बता सकते हैं कि भाई हमने इसको पास कर लिया है इस रिक्रूटमेंट को हम अब मेन्स के लिए बैठने वाले हैं ठीक है तो ये तरीका है पूरा अब इस पूरे लिस्ट में मैं नेक्स्ट में बिल्कुल लास्ट में आऊँगा तो ये दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को इस रिक्रूटमेंट के लिए इस रिक्रूटमेंट के लिए आप देख लो यहाँ पर आर लिखा है अभी थोड़ा सा इसके ऊपर चलूँगा देखिए भाई मैं इसमें दिखा रहा हूं आप लोगों को बहुत सारे लोग भाई बहुत सारे लोग बैठे हैं इस एग्जाम में आप देख सकते हो काफी लंबा लिस्ट है देखिए भाई यहां पर देखिए एक हजार नौ सौ पैंतालीस यानी करीब करीब दो हजार पेजों का लिस्ट है दो हजार पेजों का लिस्ट है आप समझ रहे हैं और अगर एक एक लिस्ट में अगर सौ सौ लोग भी डाले गए होंगे वैसे इतने आ नहीं सकते हम पचास भी मान लेते हैं एक पेज में पचास लोगों का नाम है ऐसा हम मान लेते हैं ठीक है वैसे तो इतना हैवी नहीं तीस तीस लोग ही हैं पचास हम मान लें एक पेज में भाई पचास लोग का भी मान लें तो कितने लोग हैं समझ रहे हैं तो इस तरीके से आप लोग पूरा नीचे आओगे तो हम डायरेक्ट जाएंगे आखिरी पेज पर तो आप देखो भाई इस एग्ज़ाम को टोटल जिन लोगों ने जितने लोगों ने दिया है वो लोग हैं टोटल सिक्सटी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी थ्री यानी करीब करीब सिक्सटी फोर थाउजेंड हम ले लेते हैं सिक्सटी फोर थाउजेंड लोग इस एग्ज़ाम को देकर आए जिसमें से सिर्फ़ दो हज़ार लोग ही इस एग्ज़ाम को निकाल पाएँ दो हज़ार दो सौ के अप्रोक्स लोगों ने इस एग्ज़ाम को निकाला है और ये सारे वो लोग हैं जो अब मेन्स में बैठेंगे ये लिस्ट तो उनकी है जिन्होंने पास किया नहीं किया सभी के मार्क्स इस लिस्ट में दे दिए कट ऑफ अब मैं बात करता हूँ टोटली सबकी कट ऑफ बात कर लेता हूँ तो देखिए भाई आप लोगों का जो ए आर ओ आर ओ का कट ऑफ गया है वो गया है कुछ इस तरीके से जनरल में एक सौ सात पॉइंट नौ तीन सेम अनारक्षित में ही अगर आप लोग उत्तराखंड की महिला हो तो आप लोगों का कट ऑफ तीन मार्क्स के करीब कम गया है तो इस तरीके से आप लोग सभी लोग अपने अपने कट ऑफ़ को देख लें कि कितने मार्क्स पे आपको इस एग्ज़ाम को पास करना था मतलब अगर आप लोग अगर ओपनली मानो सबकी मैं ओपनली मान लूँ तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ अगर आप लोग मुझसे पूछो तो जनरल का ही होता है आपको पता ही है ऑल इंडिया कट ऑफ ज़्यादा होता है आप देख सकते हो तो मतलब जो लोग 108 से जो लोग 108 से ऊपर मार्क्स है जिन लोगों के वो टोटली सेफ है वो टोटली पास कर चुके हैं किसी भी वर्ग से अगर आप लोग हो 108 से ऊपर वाले मार्क्स वाले लोग सभी लोग मेंस में बैठेंगे ठीक है बाकी आप लोग कैटेगरी वाइज देख सकते हो अब ये पॉइंट पॉइंट में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन लगा है ये एग्जाम डेफिनेटली एक से ज्यादा शिफ्ट में रहा होगा इस वजह से इसमें नॉर्मलाइजेशन इन लोगों ने यूज करा है तो भाई ये कट ऑफ आप लोगों की हो गई रिजल्ट आप लोगों का हो गया और मेंस एग्ज़ाम का फॉर्म जल्द ही आप लोगों का आ जाएगा इस रिक्रूटमेंट में तो यही आपके साथ डिस्कस होना था इस वीडियो में कोई आपका डाउट हो इस रिक्रूटमेंट के रिजल्ट से जुड़ा हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताया जा सकता है और इस जानकारी को पूरे विश्व में पूरे वर्ल्ड में शेयर करें खासकर इंडिया के लोगों तक मैं आपसे भी जल्द ही तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद